वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, मैं दो टर्म्स में इसको बाइफर्केट कर रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस, और दूसरा है कि व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कभी हमने सोचा कि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे आराम से चल सकते हैं या खड़े रह सकते हैं? अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा एक वेट है, जो वेट मेरा है वो किधर एक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ इज एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन मी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? अर्थ जो किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो एक्ट करता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि अर्थ जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल वर्ड क्यों है? बिकॉज दैट फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अच्छा, नॉर्मल वर्ड क्या है? नॉर्मल इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करें तो फिर से वही है कि जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हम आराम से किसी सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े क्यों हो सकते हैं, चल क्यों सकते हैं? बिकॉज जितना हमारा बॉडी का वेट है जो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट होता है, उतना ही फोर्स अर्थ हमारे बॉडी पे एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम कभी किसी इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ते हैं, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ऐसे किसी माउंटेन पे जब हम चढ़ते हैं, या कोई बच्चा भी चढ़ता है तो बच्चे को पता होता है कि बच्चे को चलना कैसे, कैसे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ झुक के फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं, या किसी स्लोप पे जाना हो तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट वन, आज मैं वही पार्ट क्लियर करने वाला हूँ कि हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं। अभी इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो बॉडी का वेट किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये बॉडी का वेट हो गया एम जी। और अर्थ जो है या सरफेस जो है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस केस में एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलने वाला है? एट इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द बॉडी एम जी विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी एट इक्विलिब्रियम। ये किसके लिए हुआ? फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर सरफेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तब भी हमारा वेट किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को कभी कभी हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी कंसर्न फॉर अस। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो हमने बताया कि जब कोई बच्चा किसी इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ता है, या कोई भी ह्यूमन बींग इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ता है, तो फिजिक्स अप्लाई करता है। अभी फिजिक्स कैसे अप्लाई करता है? उसको पता होता है कि हमें कितने, अगर हम कितने एंगल पे चढ़ रहे हैं, कितने एंगल इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहे हैं, तो हमें कितना आगे झुक के चढ़ना है। पहली चीज़ तो यही है कि हमें आगे झुक के क्यों चढ़ना है, आगे क्यों हम झुक जाते हैं जब हम किसी इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ते हैं। तो अब रीज़न ये है कि अगर ये इंक्लाइन सरफेस है, ये सरफेस इंक्लाइन सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई बॉडी है तो बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी गिवन सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल जो है, अगर सरफेस ऐसा है तो ये उसका परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ। और अगर यही सरफेस ऐसा होने के बजाय अगर ये इंक्लाइन हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो ये सरफेस इंक्लाइन सरफेस है, उस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ, परपेंडिकुलर।
बट वेट किधर एक्ट होगा बॉडी का? वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये एमजी है, वेट इधर हुआ और नॉर्मल रिएक्शन इधर है। तो यहां हमने देखा था कि वेट ऑफ द बॉडी दैट वॉज अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इस केस में नॉर्मल वेट इधर है और नॉर्मल रिएक्शन इधर है। अगर हम इसका अपोजिट कंपोनेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, तो वेट ये है, उसके अपोजिट में ये कंपोनेंट आया। अच्छा, अभी एक और चीज़ सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो एंगल बना वो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और हम n को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा n cos थीटा, राइट? और n cos थीटा इस केस में दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो अगर हमें, हम किसी इंक्लाइन सरफेस पे चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपना नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करने के लिए झुक जाते हैं। और कितना झुक जाएंगे, जितना ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उतना हम झुक जाएंगे। तो इस केस में एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलना है, एट इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वेट ऑफ द बॉडी एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। तो सवाल ये था कि जब हम इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ते हैं, किसी माउंटेन पे चढ़ना हुआ या किसी स्लोप वाले पाथ पे चढ़ना हुआ, तो हम अपने बॉडी को आगे लीन क्यों कर लेते हैं, बिकॉज हम अपना नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करते हैं किसके अपोजिट, वेट के। तो ये पार्ट आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग रेडी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम आगे कंटिन्यू जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे आप लोग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।